हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप अपने पेटीएम का यूपीआई पिन भूल गए हैं? अब आप चाहते हो उसे पता करना, तो फिर इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने पेटीएम का यूपीआई पिन भूल गए हो तो किस तरीके से आप रीसेट करके उसे नया यूपीआई पिन बना सकते हो, या अगर आप अपने यूपीआई पिन को दोबारा से पता करना चाहो तो किस तरीके से आप पता कर सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन इस नए वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने पेटीएम ऐप को कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है। और पेटीएम ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका लोगो देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्कैनर देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहीं पर आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है। और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग्स का। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी बैंक अकाउंट को आपने ऐड किया होगा वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मेरे में एक ही बैंक अकाउंट ऐड है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। इसी तरीके से आप में जितने भी बैंक अकाउंट को ऐड किया होगा वो यहाँ पर देखने को मिल जाता होगा। तो फ्रेंड्स, जिस भी बैंक अकाउंट का आप यूपीआई पिन भूल गए हो उसे आप पता करना चाहते हो, उसी बैंक पर आपको एक बार क्लिक कर लेना। जैसा कि मैं इसका यूपीआई पिन भूल गया हूँ इस बैंक का, तो इस पर मैं सिंपली इस तरीके से क्लिक कर दूंगा। इस तरीके से क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से देखने को ऑप्शन देखने को मिल जाता होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपने यूपीआई पिन को भूल गए हो तो उसे पता करने के लिए यहाँ पर आपको चेंज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यूपीआई पिन चेंज का ऑप्शन आ रहा है। इसी चेंज के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। चेंज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि जो आपका बैंक का डिटेल्स होता है यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं। तो फिलअप में क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एटीएम कार्ड का 6 डिजिट जो लास्ट होता है उसी 6 डिजिट को आपको यहाँ पर डाल देना है। और डालने के बाद फ्रेंड्स, आपको अपने एक्सपायरी डेट डाल देना है। जो भी अपने एटीएम कार्ड का एक्सपायरी डेट होगा उसे आपको यहाँ पर डाल देना है अपने एटीएम में देखकर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने एटीएम का 6 लास्ट डिजिट यहाँ पर डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से लास्ट 6 डिजिट डाल देना है अपने एटीएम का। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपने एटीएम का एक्सपायरी डेट डाल देना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको प्रोसेड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसी प्रोसेड के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसेड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। और वेट करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 6 डिजिट की ओटीपी आएगी। ओटीपी अपने ही आप एक्सेप्ट कर लेगी इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओटीपी आती है और फिलअप होती है उसे आपको राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहां पर आपको बोल रहा है सेट 4 डिजिट यूपीआई पिन। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको अब अपने यूपीआई पिन नया बना लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना यूपीआई पिन यहां पर बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप भी अपना यूपीआई पिन इस तरीके से नया बना लीजिएगा। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और राइट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपसे बोलेगा कन्फर्म 4 डिजिट यूपीआई पिन, यानी कि जो यूपीआई पिन अभी आपने बनाया है 4 डिजिट का उसे आपको दोबारा से यहां पर डाल देना है। अगर आप में 6 डिजिट दे रहा है तो आप 6 डिजिट का यूपीआई पिन बना सकते हैं। मेरे में 4 डिजिट का दे रहा है तो मैं 4 डिजिट का यहां पर बना रहा हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से नए वाला जो यूपीआई पिन बनाया है उसी को आपको दोबारा से यहां पर डाल देना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और राइट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर योर यूपीआई पिन हैज बीन सेट सक्सेसफुली। इस तरीके से यूपीआई पिन आपका चेंज हो जाएगा। अपने पेटीएम का यूपीआई पिन भूल गए तो इस तरीके से आप रीसेट करके नया यूपीआई पिन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।